शब्दों से उसको बयान नहीं किया जा सकता। इतना अच्छा उनका दिनचर्या, इतना अच्छा उन्होंने अपने बच्चों को जो शिक्षा, चार बेटे बेटी बेटे ऐसे ही बस हीरे जैसे हैं, उनको इतना अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया हुआ, इतना आगे पोतों को दोतों को जवाइयों को बस हर काम में उनका जो था ना कि इतना अच्छा होता है कि और फिट हर वक्त हर समय जब भी घर चल जाओ, चाहे वो पोता हो चाहे वो दामाद हो, उनकी निगाह में हर एक इंसान के लिए एक ही इज्जत थी और इतनी अच्छी वो इज्जत देते थे ना कि बस पूछो मत। ये तो हमने 13 सालों में देखा है कि उन्होंने बहुत बहुत उनके उनके पीछे परमात्मा ने उनको इतने गुणों से भरा हुआ था कि जैसे पति का साथ ना और इतना बड़ा परिवार और इतने अच्छे से चलाया, इतना अच्छा सब कुछ उन्होंने, घर जाओ तो बैठो हर बात को उन्होंने डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा में उनके पास बैठा रहना, जब भी घर जाना पहले पीछे दादी जी उनके पास बैठना, उनके पास अपना सारा अपनी भी बातें करनी और उनसे भी ध्यान देना, इतना ज्ञान दिया है कि कहने की बात नहीं है, इतने अच्छे थे ना कि उनका बताए नहीं जा सकते, इतने उन्होंने अच्छे काम और इतना अच्छा। भगवान राम स्वामी से यही प्रार्थना है कि वो अपने चरणों में उनको स्थान मिलेगा मिलेगा, लेकिन बस एक बेटी का जो गम आ गया वो ही उनको बस कर गया सारा उनको, नहीं तो इससे बढ़िया लेडी नहीं हो सकती थी कोई। उन्होंने माँ, दादी माँ, सासू माँ, तीनों माँ का रोल अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा लगा। इन्हीं शब्दों से मैं भी उस दरोगा आत्मा के चरणों में से भी इस परिवार के प्रति शोक संदेश आया है। मानव सहयोग सोसाइटी जालंधर की तरफ से भी शोक संदेश है। इसके अलावा दी होलसेल जनरल मर्चेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की द्वारा भी एक शोक संदेश है। जैसा कि परिवार कसूर के साथ कसूर वाला कहलाया जाते थे और इसी तरह जैन कसूर परिवार ट्रस्ट की तरफ जो कि किशोर नगर लुधियाना की तरफ से भी एक शोक संदेश आया है। जंडियाला से इनके समी परिवार लाला गोपीमल दुर्गा दास परिवार जंडियाला गुरु एंड लुधियाना से उनकी तरफ से भी माता जी को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए एक शोक संदेश आया है। अब मैं आग्रह करूंगा भाई पंकज जी से जो अपने उद्गार आपके सामने रखेंगे। भाषा हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस रूप से उनके परिवार की तरफ से और हमारे मंत्री मोदी श्री मनीष जी ने अपने भाव रखे, मैं नहीं कहूँगा कि वो हमारे मंत्री नहीं है। उनके दीर्घ संस्कार आज उनके परिवारजनों में स्पष्ट रूप से समाज को दिखाई दे रहे हैं। अपने जीवन काल में अनेक बाधाओं को सहते हुए, जैसे कि बताया गया कि 10 वर्ष पूर्व आदरणीय आंटी जी नीलम जी के जाने के बाद परिवार को जिस रूप में एक माँ ने सहारा दिया और संभाला, एक सूत्र में सकल परिवार को संजो के रखा, आज उनकी पुत्र वधु हैं, मैं कहूँगा पौत्र वधु हैं, जो कि कह रही हैं कि आज हमारी सास का इस संसार से जाना हो गया। तो ये जो उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार को दिया और जो परिवार ने पाया, ये प्रेम की प्रकाशता शायद देखने को नहीं मिलती। ऐसा जी ने अपनी जो इच्छा शक्ति या निर्णय शक्ति उसको लक्षित मात्र भी टकराने नहीं दिया, वो अपने इच्छा शक्ति और निर्णय शक्ति से आज इस परिवार को इस मुकाम तक ले आए हैं कि व्यापारिक जगत में भी एक अच्छा नाम जय परागा और दिल्ली की अदाइयों का सब और जाना जाता है। तो ये उनके सर्वगुण जो परिवार को उन्होंने संसार रोपण किए, आज उसी रूप में व्यापारिक जगत में, सामाजिक जगत में, धार्मिक क्षेत्र में सब और इस परिवार का नाम गुंजायमान हो रहा है। ये आदरणीय चाहिए के सुसंस्कारों का ही फल और नजर आ रहा है। आज हमारे अंकल जी आदरणीय श्री उपेंद्र जी
व्यापार जगत में नई ऊंचाइयों को सुनते हुए 28,000 होलसेल एसोसिएशन के चेयरमैन पद पर शोभायमान है। तो ये सब माता जी के दिए हुए गुणों को धारण करते हुए और जब तक अपने जानकर समाज की बात करें, जब जब इस समाज ने हमें इस परिवार की जरूरत महसूस हुई है, ये परिवार सदैव हमारे साथ अग्रणीय खड़ा रहा है। लगभग 20 वर्ष तो मेरे को इस परिवार में जाते हुए हो गए। चाहिए का जब चेहरा देखते थे तो निश्चित रूप से एक प्रेम की प्रकाशा उनके चेहरे में दिखाई देती थी। मैं अपने ओर से अपने परिवार लाला मुनीलाल जैन, सुशील कुमार, प्रवीण कुमार जैन जंजाला वाले आज जलंधर, श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत अध्यक्ष सुशील कुमार जी एवं सदर कार्यकारिणी की ओर से हमारे श्री प्रदीप जी जो कि इस परिवार से संबंधित भी हैं, अध्यक्ष श्री आत्मवल्लभ शर्मा पासा गुरुकुल ट्रस्ट की ओर से आदरणीय चाहिए को बहुत बहुत नमन करते हुए श्रद्धापूर्ण उनके चरणों में अपने भाव रखता हूँ। इसी क्रम में मैं नाम लेना चाहूंगा, मेरे पास संदेश आया हुआ है, श्री पार्श्वनाथ प्राचीन जैन मंदिर गैरोवा, जिससे आदरणीय श्री अश्विनी जी भी इस शोक सभा में विराजमान है। श्री आत्मबल्लभ स्मायक मंडल जालंधर की ओर से श्री शब्दाम्बर जैन युवक मंडल जालंधर, जिसके अध्यक्ष दीपक जी भी यहाँ विराजमान है, इन सभी की ओर से, एवं अंत में 5 स्टार की जो हमारा एक ऐसा परिवार 1999 से ये परिवार हमारा जो चल रहा है, भाई मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उस परिवार की ओर से भी मैं आदरणीय चाचा जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। लाला ओम प्रकाश जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे।
और उसके बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार को बहुत ही अच्छे ढंग से सामूहिक ढंग से आगे अच्छी दिनचर्या अच्छी भावनाओं के सामने रखते हुए ओत प्रोत कर अपना परिवार जी रही थी और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा बहुत ही दूर थी। पिछले करीब 15-20 वर्षों से साय का भोजन दिन छुपने से पहले उनकी दिनचर्या रोज समाई करना उनकी दिनचर्या और अनेकों अनेक धर्म यात्राओं में धर्म के आयोजनों में उनका हमेशा सम्मिलित होते रहते थे। इतना बड़ा परिवार हो बीच में कहीं ना कहीं कुछ पहाड़ भी टूटे हैं जो उनके मन में लगे भी हुए थे। करीब 10 वर्ष पहले उनकी पुत्र वधु श्रीमती नीलम जी वाइफ ऑफ श्री गोविंदर कुमार जी वो इस संसार को छोड़ के चली गई। उसके साथ साथ उनके सबसे बड़े पुत्र श्री जवाहरलाल जी जो कि करीब 3.5 साल पहले इस संसार को छोड़ विदा ले गए और जवाहर जी जैसे कि जलंधर से ही संबंध रखते थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने अपना व्यवसाय दिल्ली में स्थापित किया और बहुत ही बुलंदियों के ऊपर अपने कारोबार को लेकर वो आगे अग्रसर थे और उनके बच्चे भी बहुत ही बुलंदियों के साथ अपने कार्य को आगे लेके जा रहे थे। लेकिन एकाएक उनका चला जाना भी एक माता के लिए अपने पुत्र का जाना ऐसे माता जी जिन्होंने जैसे अभी उनकी बहुओं ने उनकी बेटियों पोतियों ने भी बताया कि अंतिम समय तक वे अपना कार्य प्रभु ने जो ये निश्चित है कि बहुत अच्छा स्थान ही देगा। जैसे कि मैंने बताया कि परिवार का नाता जो है साधु साधियों के साथ भी बहुत निष्ठा और विशेष करके हमारे शांति दूत वैशाधिपति आचार्य भगवान नित्यानंद श्रीश्वर जी महाराज साहब के साथ जैसे भाई जवाहर जी का उनके परिवार का पति परिवार का भी बहुत ही निष्ठा थी और हर एक धर्म के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं। तो आचार्य भगवान का भी शोक संदेश इस परिवार के लिए आया संक्षिप्त में पढ़ के बता रहा हूँ। धर्मनी श्री जवाहरलाल जी उपिंदर जी अशोक जी प्रवीण जी आदि परिवार जो के धर्मलाल आपके परिवार माता जी की शीतल छत्र छाया का प्रयोग और बहन श्रीमती मीना की चिर विदाई के समाचार मिले खेद होना स्वाभाविक है। पहले दिन बहन मीना का आकस्मिक निधन भी बड़ी विचित्र है। वैसे तो सभी को ही संसार से विदा होना है परंतु इस प्रकार की घटना व्यक्ति को कमजोर देती है। ऐसी स्थिति में नाशवान है आखिर इस सत्य को हमें सरकार करके शांति और सत्ता धारण करनी होगी। शासन ने दोनों की दिवंगत आत्माओं को सदगति प्रदान करे धर्म आदि कार्यों में विशेष उत्तमशील रहे। ये था आचार्य भगवान विजय नित्यानंद श्रीश्वर जी महाराज साहब का संदेश। श्रद्धांजलि देने की श्रृंखला में मेरे पास बहुत से नाम तो आए हुए हैं लेकिन जैसे कि मेरे को परिवार की तरफ से भाई भूपिंदर जी का कहना हुआ कि हमें कार्यक्रम को संक्षिप्त में और सही समय पर खत्म करना है और जो भी भाई बहनों के अगर संदेश आए हैं तो वो आप उनकी तरफ से उनके नाम बोल देना। लेकिन तब भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अपने आप को अपने विचारों को विराम नहीं दे सकते। उसमें सबसे पहले इसी परिवार की नवार श्री विक्की जी जो कि अपने मन के भाव रखना चाहते हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए। श्री गुण माला जी जो हमारे दादी जी उनके गुणों का शब्दों से उसको बयान नहीं किया जा सकता। इतना अच्छा उनका दिनचर्या इतना अच्छा उन्होंने अपने
बच्चों को जो शिक्षा चार बेटे बेटी बेटे ऐसे ही बस हीरे जैसे हैं, उनको इतना अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया हुआ, इतना आगे पोतों को दोतों को जवाइयों को बस हर काम में उनका जो था ना कि इतना अच्छा रोल था कि और फिट हर वक्त हर समय जब भी घर चल जाओ चाहे वो पोता हो चाहे वो दामाद हो उनकी निगाह में हर एक इंसान के लिए एक ही इज्जत थी और इतनी अच्छी वो इज्जत देते थे ना कि बस पूछो मत। ये तो हमने 13 सालों में देखा है कि उन्हें इतने बहुत बहुत उनके उनके पीछे परमात्मा ने उनको इतने गुणों से भरा हुआ था कि जैसे पति का साथ ना और इतना बड़ा परिवार और इतने अच्छे से चलाया इतना अच्छा सब कुछ उन्होंने घर जाओ तो बैठो हर बात को उन्होंने डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा में उनके पास बैठा रहना जब भी घर जाना पहले पीछे दादी जी उनके पास बैठना उनके पास अपना सारा अपनी भी बातें करनी और उनसे भी ध्यान देना इतना ज्ञान दिया है कि कहने की बात नहीं इतने अच्छे थे ना कि उनका बताया नहीं जा सकते इतने उन्होंने अच्छे काम और इतना अच्छा भगवान राम स्वामी से यही प्रार्थना है कि वो अपने चरणों में उनको स्थान मिलेगा मिलेगा लेकिन बस एक बेटे का जो गम आ गया वो ही उनको बस कर गया सारा उनको नहीं तो इससे बढ़िया लेडी नहीं हो सकती थी। उन्होंने माँ दादी माँ सासू माँ तीनों माँ का रोल अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा लगा है। इन्हीं शब्दों से मैं भी उस दरभंगा आत्मा के चरणों में समय तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं उनकी तरफ से मैं नाम बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे बाबू कश्मीरी लाल जी जो कि श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना के सरप्रस्त हैं परिवार के साथ निकटता भी है वो भी शोक सभा में पधारे हुए हैं। इसके अलावा श्री उषण जी जनरल सेक्रेटरी और भाई श्री राकेश जी जो हरियाणा की तरफ से भी इस परिवार के प्रति शोक संदेश आया है। मानव सहयोग सोसाइटी जालंधर की तरफ से भी शोक संदेश है। इसके अलावा दी होलसेल जनरल मर्चेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की द्वारा भी एक शोक संदेश है। जैसा कि परिवार कसूर के साथ कसूर वाला कहलाए जाते थे और इसी तरह जैन कसूर परिवार ट्रस्ट की तरफ जो कि किशोर नगर लुधियाना की तरफ से भी एक शोक संदेश आया है। जंडियाला से इनके समधी परिवार लाला गोपीमल दुर्गा दास परिवार जंडियाला गुरु एंड लुधियाना से उनकी तरफ से भी माता जी को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए एक शोक संदेश आया है। अब मैं आग्रह करूंगा भाई पंकज जी से जो अपने उद्गार आपके सामने रखेंगे। भाई पंकज आज के शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। एक पारंपरिक शब्द अक्सर हमारी शोक सभाओं में उपयोग किया जाता है देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण। देव अर्थात तीर्थंकर परमात्मा गुरु इन दोनों के द्वारा जो आशा हमारे मन में नहीं है लेकिन जिस रूप से उनके परिवार की तरफ से और हमारे मंत्री मोदी श्री गणेश जी ने अपने भाव रखे मैं नहीं कहूँगा कि वो हमारे मन में नहीं है। उनके दिव्य संस्कार आज उनके परिवारजनों में स्पष्ट रूप से समाज को दिखाई दे रहे हैं। अपने जीवन काल में अनेक बाधाओं को सहते हुए जैसे कि बताया गया कि 10 वर्ष पूर्व आदरणीय आंटी जी नीलम जी के जाने के बाद परिवार को जिस रूप में एक माँ ने सहारा दिया और संभाला एक सूत्र में सफल परिवार को संजो के रखा आज उनकी पुत्र वधु हैं मैं कहूँगा पौत्र वधु हैं जो कि कह रही हैं कि आज हमारी सास का इस संसार से जाना हो गया। तो ये जो उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार को दिया और जो परिवार ने पाया ये प्रेम की प्रकाशता शायद देखने को नहीं मिलती। ऐसा परिवार आदरणीय चाय जी ने अपनी
जो इच्छा शक्ति या निर्णय शक्ति उसको लक्षित मात्र भी टेक्नोलॉजी ने दिया, वो अपने इच्छा शक्ति और निर्णय शक्ति से आज इस परिवार को इस मुकाम तक ले आए हैं कि व्यापारिक जगत में भी एक अच्छा नाम जय परागा और दिल्ली की अदाइयों का सब और जाना जाता है। तो ये उनके सर्व जो परिवार को उन्होंने संस्कार रोपण किए, आज उसी रूप में व्यापारिक जगत में, सामाजिक जगत में, धार्मिक क्षेत्र में सब और इस परिवार का नाम गुंजायमान हो रहा है। ये आदरणीय चाहिए के सुसंस्कारों का ही फल और नजर आ रहा है। आज हमारे अंकल जी आदरणीय श्री उपेंद्र जी व्यापार जगत में नई ऊंचाइयों को सुनते हुए अटारी नगर होलसेल एसोसिएशन के चेयरमैन पद पर शोभायमान है। तो ये सब माता जी के दिए हुए गुणों को धारण करते हुए और जब तक अपने जानकर समाज की बात करें, जब जब इस समाज ने हमें इस परिवार की जरूरत महसूस हुई है, ये परिवार सदैव हमारे साथ अग्रणीय खड़ा रहा है। लगभग 20 वर्ष तो मेरे को इस परिवार में जाते हुए हो गए। चाहिए का जब चेहरा देखते थे तो निश्चित रूप से एक प्रेम की प्रकाशा उनके चेहरे में दिखाई देती थी। मैं अपने ओर से अपने परिवार लाला मुनीलाल जैन, सुशील कुमार, प्रवीण कुमार जैन जंजाला वाले आज जलंधर, श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत अध्यक्ष सुशील कुमार जी एवं सदर कार्यकारिणी की ओर से हमारे श्री प्रदीप जी जो कि इस परिवार से संबंधित भी हैं, अध्यक्ष श्री आत्मवल्लभ शर्मा पासा गुरुकुल ट्रस्ट की ओर से आदरणीय चाहिए को बहुत बहुत नमन करते हुए श्रद्धापूर्ण उनके चरणों में अपने भाव रखता हूँ। इसी क्रम में मैं नाम लेना चाहूंगा, मेरे पास संदेश आया हुआ है श्री पार्श्वनाथ प्राचीन जैन मंदिर गैरोवा, जिससे आदरणीय श्री अश्विनी जी भी इस शोक सभा में विराजमान है। श्री आत्मबल्लभ स्मायक मंडल जालंधर की ओर से श्री शब्दामर जैन युवक मंडल जालंधर, जिसके अध्यक्ष दीपक जी भी यहाँ विराजमान है, इन सभी की ओर से। एवं अंत में 5 स्टार पीटी जो हमारा एक ऐसा परिवार 1999 से ये परिवार हमारा जो चल रहा है, भाई मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उस परिवार की ओर से भी मैं आदरणीय चाचा जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी करने के लिए। दादा राजकुमार जी जैन जो कि हमारे श्री आत्मानंद जैन साहब जलंधर के पैटर्न भी हैं, और वैसे तो उनकी चाचा जी के साथ श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। इसके साथ साथ श्री बाबा गज्जर जी जैन सोसाइटी जालंधर, जिसके प्रधान श्री अनिल जी एवं जनरल सेक्रेटरी श्री विपुल चंद्र जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी तरफ से भी श्रद्धा सुमन भेंट किया जा रहा है। इसके अलावा अम्बाला से श्री महेंद्र जी जैन, जिनका भी बहुत निकटतम पारिवारिक संबंध है। अब परिवार की तरफ से माता जी के याद में कुछ संस्थाओं को दान रूपी नगर निकाला है। मैं नाम बोलूंगा, जो भी संस्था के पदाधिकारी सभा में बैठे हों वे परिवार से अपना अपना ये लिफाफा लेते रहे। श्री संकेश्वर पाठशाला जी हैं मंदिर, नहीं सॉरी, श्री संकेश्वर पाठशाला जी, श्री केशरी जी तीर्थ, माता चिंतपूर्णी जी, स्मार महाराज रूपचंद जी जगराव जैन मंदिर हस्तिनापुर, माता चकेश्वरी देवी जी सरहन जैन मंदिर कांगड़ा, श्री देवी तालाब मंदिर जालंधर, बाबा बैरा जी, श्री आत्मबल्लभ जैन डिस्पेंसरी जालंधर, श्री झंडे वाला मंदिर, गुलाबी बाग मंदिर, दादावाड़ी दिल्ली, उपासिका मंडल,
जैन मिलन मंडल, पारस मंडल, शिव मंदिर अटारी बाजार, विजयानंद पत्रिका, विभव विवेक, वल्लभ स्मारक दिल्ली, जैन मंदिर रूपनगर दिल्ली, एक चीज मैं भूल गया कि श्री आपानंद जैन सभा रूपनगर दिल्ली की तरफ से भी एक शोक संदेश आया हुआ है, जिसके साथ भाई जवाहर जी का बहुत ही वो मेंबर भी थे और अगर ये सदस्य भी थे। पिंगलवाड़ा जलंधर, जैन मंदिर न्यू जवाहर नगर, श्री गौड़ी पाशाह जैन मंदिर कला बाजार, जैन मंदिर जैन कॉलोनी, अपाहज आश्रम, श्री नगौरा जी तीर्थ। सो इनके जो भी पदाधिकारी आए होंगे वे अपने अपने दादा श्री भूपिंदर भाई भूपिंदर जी से लेते जाए। एक शोक संदेश जैन उपासी का मंडल जलंधर की तरफ से भी आया हुआ है। अब रस्म पगड़ी की रस्म होगी, जैसा कि समाज की तरफ से पहले भी आग्रह किया जाता है कि रस्म पगड़ी में केवल पगड़ी के अलावा कोई भी सगे संबंधी कैश वगैरह देने की चेष्टा न करें। परिवार की तरफ से भी ये हमें आग्रह किया गया है कि केवल पगड़ी के अलावा कुछ भी भेंट मत किया जाए। पगड़ी के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे आत्मानंद जैन सभा जलंधर के प्रधान श्री सुरेंद्र पाल जी को, भाई कमल जी जिनका गला खराब था इसलिए आज सोना मंच नहीं संभाला है, वो भी आगे आए। हमारे पेट्रन श्री राजकुमार जी नाम से भी आग्रह करूंगा कि वे भी इस परिवार को पगड़ी की रस्म के लिए आगे। रिक्वेस्ट है कि कोई भी खाना खाए बगैर मत जाए, ये परिवार की कुछ भावना है। हमारे बीच लालाओं प्रकाश जी भी अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, सभी की तरफ से माता जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि जो भी भाई बहन रिश्तेदार पितृगण बाहर से आए हुए हैं उन सबके खाने का प्रबंध परिवार की तरफ से नीचे हॉल में किया गया है, वे जरूर भोजन लेके ही जाए, ये परिवार की भावना है। शांति
शांति निशांतन शांतन शांता शांत प्रत्या तो शांति निष्ठा मंत्र पदे शांति स्वामी ओम जी निश्चित नमो नमो भगवते हरते पूजा शांति विनाय जय तेजस्वी ने स्वामी ने अभिनाम सकल शीर्षक महासम 25वां विचार तस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वमस्तु सुनो स्वामी संपूजिताय विजिताय भोजन पाल हो गया तमाय सत्ता नमस्तस्मय सर्व दुर्गो नाशन कराय सर्वाशि प्रसन्नाय युक्त कह रहे भूत का शाकिनिना प्रमुख नाय यसे ते नाम मंत्र पर धान वाक्य योग स्तोषा विद्या प्रत्यय जन है तुझे जन तानक सर शांति भक्तो नमस्ते भक्ति विजय सुजय परा भय रहते अपराजिते शक्तिना जय जति क्या वह भक्ति सर्वस्यापि च संघस्य वत्र कल्याण मंगल देवी निर्वाण जननी सत्वानां अभय प्रधान नित्य नमस्तु सत्य प्रदे तुभ्यं भक्ताना जंतुना शुभा वहे नित्यं मुक्ति देवी सम्यक दृष्टिना प्रति रति मति मुक्ति प्रदानाय जिन शासन निरताना शांत चिंताना च जगति जनता के संपत्ति के यशवर्धनी जय देवी विजय श्रीलाल विश्वित दर्द सगया राग राज रोग रन भयत भगवती भगवती शिव शांति पुष्टि सत्य गुरु जनाना ओम जी नमो नमो हरा हरे हरु हर हरे पुष्पस्वाहा देवी कुरते शांति नमता नमो नम शांति तस्मय दर्शित मंत्र पर दर्शित सत्व शांति शांति भक्ति मतलब प्रदान सर्वधर्मान।